बैंक्स पर जब बात हो रही है तो बैंक्स के लीडर प्राइवेट सेक्टर के लीडर बैंक एचडीएफसी बैंक की भी बात करना चाहेंगे। क्या लगता है कि अब एचडीएफसी बैंक की जो अंडर परफॉर्मेंस थी, आप फरवरी से लास्ट ईयर फरवरी से जब से उन्होंने मर्जर अनाउंस किया था उसके बाद से स्टॉक चला नहीं, लेकिन अब जो नंबर्स आ रहे हैं जिस तरह से उनकी लोन ग्रोथ दिख रही है, डिपॉजिट ग्रोथ दिख रही है और ये जो एमएसआई वाला ट्रिगर भी है जिसमें फ्लोज और बढ़ेंगे, एचडीएफसी बैंक के लिए आगे कैसी डायरेक्शन हो सकती है? जी देखिए, एचडीएफसी बैंक का जो मुझे लगता है स्टॉक परफॉर्मेंस थोड़ा वीक इसलिए रहा क्योंकि जो एक बहुत बड़ा इवेंट है, जो मर्जर है दोनों एचडीएफसी लिमिटेड और बैंक का, वो अभी भी होना बाकी है। तो उसका वो कैसे होगा, कितना फ्रिक्शन क्रिएट होगा उसमें, कितनी जल्दी हो जाएगा, कितनी जल्दी वो एक बड़ा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बन के मार्केट में आएगा, वो अभी मुश्किल है कहना। तो मुझे नहीं लगता कि कोई बड़े इन्वेस्टर इस टाइम पे बिफोर द मर्जर उसमें एलोकेशन बढ़ाने का सोचेंगे। टेक्निकल रीजंस डेफिनेटली सपोर्ट करेंगे, जैसे पढ़ रहे हैं कि $3 बिलियन के आने की उम्मीद है मर्जर के बाद, एमएससीआई इंडेक्स के री स्ट्रक्चरिंग की वजह से, तो वो बहुत अच्छा ट्रिगर है स्टॉक के लिए। पर एट द सेम टाइम इतना बड़ा लार्ज कैप एंटिटी को $3 बिलियन मिलना, वो कितना मूव करेगा वो भी कहना मुश्किल है। ऑन द अदर साइड फंडामेंटल परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है जो उन्होंने अभी, मुझे लगा कि उन्होंने प्रोविजनिंग कम करी, प्रोविजनिंग कम करते हैं तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली बढ़ता है और एसेट क्वालिटी भी अच्छी दिखती है। तो वो प्रोविजनिंग कंटिन्यूअसली 2-3 क्वार्टर से कम करना कितना करेक्ट है वो मैं मैनेजमेंट के ऊपर ही छोड़ता हूँ, उन्होंने सोच समझ के किया होगा। पर एक डिटेरिएटिंग एनवायरनमेंट में अगर कोई प्रोविजनिंग कम करे और उसकी वजह से प्रॉफिट बढ़ जाए तो वो थोड़ा एक इन्वेस्टर्स को देखना चाहिए डिटेल में कि ऐसा क्यों हो रहा है। बट अदर देन दैट आई थिंक बहुत ही रॉक सॉलिड फ्रेंचाइज है, और मैं तो यही उम्मीद करूंगा कि एक बार उनका मर्जर हो जाए और एक कंपनी बन जाए तो वो काफी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बने।